रिएक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड विद फिनॉल्स में जो प्रोडक्ट होता है दोज आर फिनाइल एस्टर्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमने हीटिंग हीटिंग करनी पड़ती है। अच्छा, एसाइल क्लोराइड्स फिनॉल के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव इथेनॉइल क्लोराइड, फिनॉल अच्छा, इसमें क्या होगा, जो हमारा ओ एच और सी एल है, ये फंक्शनल ग्रुप आमने सामने, तो सी एल एंड एच विल गेट रिमूव्ड और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा लाइक दिस। एस्टर की नेमिंग उसी तरह से करते हैं जैसे पहले करते आए थे। तो एल्कोहल इस मतलब एल्कोहल तो नहीं है, फिनॉल है, बट फिनॉल के नाम के साथ वायल लगेगा, तो दिस इज फिनाइल। एंड एसाइल क्लोराइड इज इथेनॉइल क्लोराइड। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक एसिड होता था तो उसके साथ इथेनोएट आता था ना, यहाँ पे जो नाम आएगा दैट वुड बी फिनाइल इथानोएट। बट प्रॉब्लम यह है कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए ना हमें हीट करना पड़ रहा है, और मुश्किल से होता है ये रिएक्शन। बिकॉज रीजन क्या है उसका, जो फिनॉल है ना वो वीक न्यूक्लियोफाइल है। उसका रीजन यही है कि लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम दैट इज बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग एक्चुअली ओवरलैप्स इनटू द डीलोकलाइज सिस्टम ऑफ बेंजीन, जिसकी वजह से इट इज लेस अवेलेबल, और वी कैन से के मतलब इज अ वीकर न्यूक्लियोफाइल क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हुई हुई है। तो उसको फिर रिएक्ट करवाने के लिए हम लोग पहले जो है फीन ऑक्साइड आयन बनाते हैं और फिर रिएक्शन करवाते हैं, तो वो रिएक्शन इजिली हो जाता है। क्या मतलब है इस बात का, मैं लिख भी देता हूँ। फिनॉल्स इज आर वीक न्यूक्लियोफाइल। एज लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन पार्टिसिपेट्स इन डीलोकलाइज सिस्टम ऑफ बेंजीन। अच्छा, तो उसके लिए इस रिएक्शन की ईस्ट को बढ़ाने के लिए भी क्या करते हैं, सो वी फर्स्ट मेक फीन ऑक्साइड आइन। फीन ऑक्साइड आइन इज दिस, जिसमें फिनॉल का हम एच हटा दें पॉजिटिव आइन बना के और ओन नेगेटिव रह जाए। इन ऑर्डर टू मेक इट अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। तो उसको किस तरह से फिनॉक्साइड आयन बनाएंगे, वी कैन मेक फिनॉल टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है विच आयनाइजेस इनटू वाटर टू गिव यू फिनॉक्साइड आयन। लाइक हम क्या करेंगे, फिनॉल है उसको पहले रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ विच इज एन अल्कली, एंड फिनॉल एक्ट एज एन एसिड। तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब फिनॉल को हम रिएक्ट करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी सोडियम फिनॉक्साइड।
सोडियम फिन ऑक्साइड को जब हम एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो रिएक्शन इजीली हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेम इथेनॉइल क्लोराइड ले लेते हैं एंड इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम फिन ऑक्साइड के साथ। ये रिएक्शन जो है वो इजली हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? सॉरी, फिर HCl नहीं बनेगा, NaCl बनेगा दूसरा प्रोडक्ट, एंड एस्टर इज सेम फिनाइल इथानोएट। सिमिलरली यही रिएक्शन जो है ना वो बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी होता है। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है? जब एसाइल फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो। सिमिलरली रिएक्शन ऑल्सो अकर्स विद बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड इज दिस बेंजीन रिंग है, इसके साथ अगर एसाइल फंक्शनल ग्रुप है तो दैट इज बेंजोइल क्लोराइड, और इसको रिएक्ट करवाओ सोडियम फिन ऑक्साइड के साथ। अगेन दिस विल आल्सो प्रोड्यूस एस्टर, बट उसमें जो वेट फंक्शनल ग्रुप है इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। दो एरीन रिंग आएंगे इस एस्टर में। नाम बता सकते हो इस एस्टर का क्या बनेगा? इस एस्टर का क्या नाम देंगे फिर हम? जो फिनॉल की वजह से नाम आएगा फिनाइल, और बेंजोइल क्लोराइड की वजह से आएगा बेंजोएट, से बेंजोइक एसिड होता है ना, दिस इज फिनाइल बेंजोएट। राइट, आगे बढ़े। दिस इज बेंजोइल क्लोराइड एंड दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर है यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन एसाइल क्लोराइड का है विद अमोनिया, फोर्थ रिएक्शन जो हम देख रहे हैं। अच्छा, अमोनिया के साथ हमने पहले भी रिएक्शंस करे हैं। अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन रिकॉल करो ना एल्काइल हैलाइड्स का अमोनिया के साथ जिसमें अमाइन बनता है। लेट से वी हैव CH3CH2Cl क्लोरोइथेन, व्हेन रिएक्ट्स विद अमोनिया मॉलिक्यूल तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म था इसका। जैसे OH नेगेटिव आयन सब्स्टिट्यूट करते हैं क्लोरीन को, इसी तरह से इसमें भी होता था। तो इसमें जो है वो नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन रह जाते हैं बस। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वी यूज टू कॉल इट अमाइंस।
मतलब ये जो पर्टिकुलर अमाइन बना है, ये इथाइल अमाइन बना है। मतलब अगर जनरल रिएक्शन लिखें इसका, तो कोई भी क्लोरो एल्केन व्हेन रिएक्ट्स विद अमोनिया, तो अमोनिया एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और इसमें हमारे पास NH2 फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, विच आर नोन एज अमाइंस। इसकी रिएक्शन कंडीशन क्या होती है, इसको फिर अमोनिया को ना हम वाटर में नहीं डालते, अदरवाइज इन वाटर इट विल एक्ट एज अ बेस, न्यूक्लियोफाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, तो इसको हमें इथेनॉल में डिजोल्व करना होता है, और साथ में हीट अंडर रिफ्लक्स। सेम रिएक्शन हैपेंस विद एसाइल क्लोराइड विद अमोनिया। लेट्स से वी हैव एसाइल क्लोराइड और अमोनिया के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, तो अब प्रोडक्ट में अमाइंस नहीं बनता, बस वो जो फंक्शनल ग्रुप बनता है उसको हम अमाइड्स कहते हैं। अब अमाइड और अमाइन में फर्क क्या होता है, अभी देख लेते हैं इसको बना के। जैसे कोई भी एसाइल क्लोराइड है ना हमारे पास, उसमें अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस, अच्छा क्लोरीन हटेगा इसमें, ये लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, दिस इज एलिमिनेशन एंड एडिशन। और अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो जब आके लगेगा कार्बन के साथ, तो फिर वो तीन बॉन्ड से ज्यादा तो नहीं बना सकता, तो एक हाइड्रोजन उसको ले ऑफ करना पड़ता है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, दिस इज नोन एज एमाइड। मतलब इसको हम लोग यूं करके दिखाएं तो याद आ जाए, शायद ओ लेवल में भी प्रोटीन्स और नाइलॉन में जो हमने देखा था फंक्शनल ग्रुप, दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज एमाइड। और ये रिएक्शन जो होता है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू एसाइल क्लोराइड्स, वो सॉरी एल्काइल हैलाइड्स। उसका रीजन क्या है कि एसाइल क्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच्ड टू कार्बन, तो पार्शियल पॉजिटिव ऑफ कार्बन इज स्ट्रॉन्गर व्हिच कैन बी इजिली अटैक्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दिस इज अ फास्ट रिएक्शन, मतलब नीदर नो विगरेस कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। यहां नो रिग्रेस कंडीशन मतलब हीटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, अनलाइक एल्काइल हैलाइड्स। ऊपर जो है ये एल्काइल हैलाइड्स के साथ हमने अमोनिया का रिएक्शन देखा है, और इसमें प्रोडक्ट बनता है अमाइंस, और नीचे हमने एसाइल क्लोराइड्स के साथ अमोनिया का रिएक्शन देखा है, और इसमें प्रोडक्ट बन रहा है एमाइड। तब इसको अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें, तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म इलिमिनेशन एंड एडिशन, एसाइल क्लोराइड्स के जितने भी रिएक्शन हैं उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म इलिमिनेशन एंड एडिशन ही होगा। दिस इज एलिमिनेशन एंड एडिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इथेनॉइल क्लोराइड है, तो वी नो कि ऑक्सीजन एंड क्लोरीन विल हैव अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन विल हैव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एंड अमोनिया मॉलिक्यूल व्हिच इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल विल अटैक दिस पार्शियल पॉजिटिव ऑफ कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन अपना एक्स इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन विल गेट अ नेगेटिव चार्ज एंड अमोनिया मॉलिक्यूल विल गेट अटैच्ड विद दिस, बट
प्रॉब्लम इज नाइट्रोजन कैन नॉट मेक मोर देन 3 बॉन्ड्स, तो नाइट्रोजन हैज टू वेव ऑफ 1 हाइड्रोजन, जो कि निकलेगा कैसे, एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन बैक टू कार्बन, सेम जो हमने पहले पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है, एंड नाइट्रोजन विल स्टे विद 2 हाइड्रोजन। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े। अच्छा, इनके नाम क्या होंगे? जैसे जो हमने एसाइल क्लोराइड यूज किया है, दैट इज इथेनॉइल क्लोराइड, और साथ में वी हैव यूज्ड अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल। और जो प्रोडक्ट में अमाइड बना है, अमाइड की नेमिंग हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, बट फॉर नाउ इस अमाइड की मैं बता देता हूँ, दिस इज इथेन अमाइड। इथेन होता है ना, पूरा इसका ई हटा के बस अमाइड लगा देंगे उसके साथ, दिस इज इथेन अमाइड। और साथ में ऑब्वियसली HCl बन रहा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन निकला और अमोनिया से, और Cl निकला एसाइल क्लोराइड से। Another byproduct would be HCl. बस अमाइन और अमाइड का फर्क याद रखो। अमाइन जो है, उसमें एल्काइल फंक्शनल ग्रुप के साथ देयर वुड बी NH2, जैसे CH3 NH2 हो गया, और CH3 CH2 NH2 होगी, तो दिस इज अमाइन। जैसे दिस फर्स्ट वन इज मिथाइल अमाइन, द सेकंड वन इज इथाइल अमाइन। एंड अमाइड्स क्या होते हैं, जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ एन और हाइड्रोजन ई आर। अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन भी हो सकता है और एल्काइल चेन भी हो सकती है आगे, कैन बी लाइक दिस एज वेल, मतलब आगे भी एल्काइल चेंज हो सकती है, बट अमाइड फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, वो इतना पार्ट होना जरूरी है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, इतना होना जरूरी है, उसके आगे बेशक हाइड्रोजन हो या कोई और एल्काइल चेन हो। अभी जो अमाइन्स होते हैं ना, ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं, मतलब अमाइन्स एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और अमाइन बेसिक इन नेचर भी होते हैं, लेकिन अमाइड्स बेसिक इन नेचर नहीं होते, नीदर अमाइड वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल, अमाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करता। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन अमाइंस के साथ भी करवा सकते हैं,
रिएक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड विद अमाइंस। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा दिस इज न्यू एलिमिनेशन एंड एडिशन। लेकिन इसका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अब अमाइन है। जैसे पहले वाटर भी देखा हमने न्यूक्लियोफाइल असाइल क्लोराइड के साथ, अमोनिया देखा, हाइड्रोक्साइड आयन देखा, एल्कोहल देखा, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल अमाइन वर्क करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अगेन इथेनॉइल क्लोराइड ले लेते हैं और इथाइल अमाइन ले लेते हैं। इथाइल अमाइन में दो कार्बन होंगे और NH2 होगा, CH2 CH3। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनना है दैट वुड बी अमाइन। मतलब ये जो अमाइन न्यूक्लियोफाइल है दिस विल अटैक दिस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन। और सेम रिएक्शन मैकेनिज्म एलिमिनेशन एंड एडिशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन सॉरी। और इस अमाइन नाइट्रोजन के साथ बाकी जो भी अल्काइल चेन लगी हुई है CH2 CH3 वैसे ही आ जाएगी। अब इस अमाइड का नाम किस तरह से देते हैं वो फिर हम आगे देखेंगे अमाइड के चैप्टर में। साथ में ऑफ कोर्स हाइड्रोजन और CLHCl। तो ये सारे रिएक्शंस हैं एसाइल क्लोराइड से। अभी बताओ कोई सवाल है जो पूछना है। अच्छा एसाइल क्लोराइड्स के सारे रिएक्शंस अगर हम समराइज करें वही जैसे हम फ्लो डायग्राम बनाते हैं। जैसे बीच में एक एसाइल क्लोराइड ले लेते हैं, दिस इज जनरल फॉर्मूला ले लेते हैं एसाइल क्लोराइड का। एसाइल क्लोराइड से हमने क्या क्या चीजें बनाई हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं हम एसाइल क्लोराइड से। एसिटिक एसिड हमने दो चीजों से बनाया है, दोनों देख लेते हैं अभी। एसाइल क्लोराइड से हमने फिनाइल एस्टर्स भी बनाए जो कि ये होते हैं। और नॉर्मल एस्टर्स भी बनाए एसाइल क्लोराइड से हमने। इसी तरह अभी हमने एसाइल क्लोराइड से अमाइड्स बनाए। जैसे ये अमाइड्स और मतलब आर दोनों, ऐसा अमाइड भी बनाया जिसके दोनों साइड पे अल्काइल चेन है और ऐसा अमाइड भी बनाया जिसके अल्काइल चेन सिर्फ एक साइड पे और एक साइड पे हाइड्रोजन पे खत्म हो रहा है।
अच्छा, एसाइल क्लोराइड से कार्बोक्सिलिक एसिड हमने दो तरीकों से बनाया था, एक तो सिंपल वाटर डाल के रूम टेम्परेचर पे, नो हीट रिक्वायर्ड, और एक सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के, इसमें भी कोई हीटिंग करने की जरूरत नहीं थी। और एसाइल क्लोराइड से जो हमने वो बनाया है, क्या कहते हैं, फिनाइल एस्टर्स है, उसमें हम लोगों ने फिनॉल फिन ऑक्साइड आयन बनाया था ना पहले, तो फिनॉल को पहले हमने रिएक्ट करवाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और फिर फिन ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट हो रहा था। और अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट करवाया एसाइल क्लोराइड को, तो एस्टरीफिकेशन हुई थी। और फिर हमने ये बात भी की थी कि हम जनरली अब अल्कोहल्स के साथ ही रिएक्ट कर, एसाइल क्लोराइड्स को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टरीफिकेशन करवाएंगे, तो ये रिएक्शन इज एस्टरीफिकेशन ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम अवॉइड करेंगे क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसी तरह जब एसाइल क्लोराइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया तो अमाइड्स बने, NH3 इज अमोनिया। और अगर एसाइल क्लोराइड को अमाइंस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अमाइन भी न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कोई भी RNH2 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो उससे भी अमाइड बनेंगे। ये बना प्रोडक्ट में अमाइड, ये भी अमाइड है, और दिस इज एस्टर, और ये जो नीचे वाले हैं दिस इज फिनाइल एस्टर्स। और कार्बोक्सिलिक एसिड तो खैर आपको पहचान है ही, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इन सब में जो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा वो एक ही है, दैट इज एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। से समरी, और एसाइल क्लोराइड रिएक्शंस, और या नीचे नोट में लिख लो। ऑल रिएक्शंस फॉलो सेम रिएक्शन मैकेनिज्म, दैट इज एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। सही है, ये मैं आपको भेज दूंगा अभी पूरी प्रोजेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अभी एसाइल क्लोराइड तो खत्म हो गया, अमाइन स्टार्ट कर दें क्या अभी? ओके सर।